प्रश्न नंबर चार, वाई बराबर सात माइनस चार एक्स बटे तीन, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर कौन सा पहला, तथा दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर कितना माइनस का एक, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब किसको यूज करना है, सबसे पहले हमको समीकरण फर्स्ट को यूज करना चाहिए, तो इसको जब हम यूज करेंगे तो हम इतना ही लिख रहे हैं वाई बराबर सात माइनस चार एक्स बटे तीन। अगर हम चाहते तो यक्स का मान निकाल लेंगे, या हम चाहे तो इसी को, क्योंकि हमको यक्स या तो फिर वाई का प्रतिस्थापन करना होता, तो हमने यहाँ पर किसको प्रतिस्थापित किया, ठीक, यानी वाई का मान निकाला, इससे पहले हम यक्स का मान निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर थर्ड। अब किसको यूज करना है, सबसे पहले फर्स्ट यूज हो गया, अब समीकरण सेकेंड यूज करेंगे। तो समीकरण सेकेंड क्या है, दो यक्स प्लस का तीन वाई बराबर माइनस का एक। अब देखिए, दो यक्स हमने लिखा और तीन लिखा, वाई का मान कितना है, सात माइनस चार एक्स बटे का तीन बराबर कितना माइनस का एक। अब चाहें अगर, ठीक, ये किसका मान है, वाई का, तो चाहे तो तीन से तीन काट दें। अब देखिए, दो यक्स बराबर दो यक्स प्लस सात माइनस चार एक्स बराबर कितना माइनस का एक। अब देखिए, दो एक्स में से चार एक्स गया, कितना बचा माइनस का दो एक्स, माइनस का एक, ये प्लस का सात इधर जाएगा माइनस का सात, तो ये हो गया माइनस का आठ माइनस का दो एक्स, यानी यक्स का मान कितना आ गया, माइनस का आठ बटे माइनस का दो, यानी कितना यक्स का मान आ गया चार। अब समीकरण कौन सा यूज हो गया, सेकेंड। अब किसको यूज करना है, थर्ड को। थर्ड कहाँ पर है, ये वाला, वाई बराबर सात माइनस चार एक्स बटे कितना तीन, तो सात माइनस चार यक्स का मान कितना आया है चार बटे तीन, तो यह आ गया सात माइनस चार चक्कू सोलह बटे तीन, यानी माइनस का नौ, सात में से सोलह जाएगा, देखिए सोलह में से सात जाएगा तो नौ, और सात में से सोलह जाएगा तो माइनस का नौ, यानी तीन से काट देंगे, यानी वाई का मान कितना आ गया माइनस का तीन। तो वाई, तो आंसर की बात करें तो यक्स का मान कितना आया है चार, और वाई का मान कितना आया है माइनस का तीन, ये हमारा आंसर हो जाएगा।